हेलो ऑल वेलकम है आप सबका आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम यूनिट असेसमेंट फाइव से एट तक देखेंगे हमारे यूनिट फोर के इससे पहले वाली वीडियो में हम फर्स्ट फोर असेसमेंट के सोलूशन देख चुके हैं क्वेश्चन के आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू क्रिएट अ विजुअल डायग्राम ऑफ वेबसाइट अगर हमें वेबसाइट का विजुअल डायग्राम बनाना है तो हम उसका क्या प्रोसेस यूज करेंगे ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिए आपके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब है उसी के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं तो हमें भी उसी के स्टेप्स लिखने हैं बेसिकली हम वेबसाइट ओपन करेंगे के अंदर हमारे जो भी है एंड व्यू मेन्यू में जाएंगे उसमें हमारे पास साइट का ऑप्शन है से हम पर क्लिक करेंगे उसके बाद वी कैन फर्दर एक्सपेंड एंड एंड अंडरस्टैंड द लिंक्स टू अदर पेजेस हम अदर पेजेस पर उसको लिंक एक्सटेंड कर सकते हैं सेलेक्ट द प्लस सिंबल पर क्लिक करेंगे हम उसमें लिंक के पास हमारे पास जो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑफ साइट समरी विद एक्साम्पल साइट समरी हम कैसे बना सकते हैं बेसिकली या क्या होती है साइट समरी गिव अस द डिटेल्ड अबाउट अवर वेबसाइट हमारी वेबसाइट के बारे में कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है लाइक नंबर ऑफ़ वेब पेजेस कितने हैं हमारे पास साइज कितना है हमारी उसका फाइल्स का हम हाँ, उसमें पिक्चर्स का साइज क्या है या हम लिंक कितने हैं उनकी काउंटिंग कितनी है अनलिंकड फाइल कितनी है स्लो पेजेस कितने हैं ऑर्डर फाइल्स कितनी है और हाइपर लिंक के बारे में बताता है कि ब्रोकन लिंक वर्किंग लिंक इंटरनल एक्सटर्नल लिंक

वी नीड टू clean up our वेब पेजेस फॉर any unnecessary कोड दैट कैन रिजल्ट इन रिड्यूसिंग पेज साइज यानी हम जो भी हमें हम कुछ क्लीन अप परफॉर्म करते हैं जिससे हम अननेसेसरी जो कोड होता है उसको रिमूव करते हैं जिससे हमारा साइज रिड्यूस हो सके हमारे वेब पेज का और वेबसाइट का दिस इंटर्न विल हेल्प इन फास्टर डाउनलोड इसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो फास्टर लोड होगी कहता है टूपटोमाइज अ वेब पेज सेलेक्ट द सेलेक्ट टूल्स टूल्स मेन्यू में जाएंगे हम वहाँ पर ऑप्टिमाइज एस का ऑप्शन मिलेगा हमारे पास और जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे हम एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एंड देन वहाँ पर हम अपनी जितने भी एक सेलेक्ट uh, करेंगे एक ऑल एस कमेंट्स का ऑप्शन आएगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इन रिमूव कमेंट सेक्शन के अंदर और ओके OK, प्रेस ओके OK, प्रेस कर देंगे कहता ऑल द कमेंट्स विल बी रिमूव ऑटोमेटिकली तो वो आपके रिमूव हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू फिक्स एरर इन अ वेब पेज वेब पेज में अगर हमें कुछ एरर्स वगैरह आ रही हैं तो उनको ऑटोमेटिकली कैसे हम रिमूव करेंगे कहते हैं ओपन हम वेबसाइट ओपन करेंगे हमारे जो भी है म्यू के अंदर टूल्स मेन्यू में जाएंगे ऑप्शन मिलेगा री कैलकुलेट हाइपर उस पर क्लिक करेंगे एंड एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा आपका री कैलकुलेट हाइपर का देन उसमें हम हमारे पास एक यस का ऑप्शन आएगा हम उसको यस yes करेंगे एंड अगर कोई भी इशू होगा तो वो आपका उसको ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देगा नेक्स्ट कुछ फिलअप है हमारे पास कहता है स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट कैन बी व्यूड यूजिंग हाइपर लिंक ऑप्शन इन साइट ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ व्यू मेन्यू यानी जो हमारे पास स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं हम साइट का वो हमारे पास हाइपर लिंक ऑप्शन होता है साइट ऑप्शन के अंदर जो हमारा व्यू मेन्यू में होता है साइट समरी इज अवेलेबल इन साइट ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ व्यू मेन्यू ऑप्टिमाइज एस टी एम एल इज अवेलेबल इन टूल्स मेन्यू and recalculate link is available in tools menu next hamare paas assessment number 6 hai isme hamare paas first question hai explain the procedure to add a remote host for publishing remote host agar hame add karna hai publishing ke liye to hum kaise add karenge यानी हम अपनी website को कहीं publish करना चाहते हैं तो जिस server पे publish करना चाहते हैं उसकी detail कैसे add करेंगे हम अपने म्यू software में ओपन द वेबसाइट दैट वी नीड टू पब्लिश हम उस वेबसाइट को ओपन करेंगे हमारे म्यू प्रोजेक्ट के अंदर देन हम अब साइट मेन्यू में जाएंगे वहां पर पब्लिशिंग साइट का ऑप्शन में है पब्लिशिंग सेटिंग्स में उस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा वहां पर एक एडिंग का ऑप्शन होगा एड पर क्लिक करेंगे कनेक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स में जाएंगे एक उस, आपको अपेयर होगा उसमें हमें कुछ डिटेल्स डालनी है हमारे सर्वर से रिलेटेड हम सर्वर का नेम डालेंगे या उसका आईपी एड्रेस डालेंगे यूजुअली आईपी एड्रेस मिलता है हमें देन हम उसमें एक आपके जो है एफ टी पी सेलेक्ट करेंगे कनेक्शन का जो टाइप है यूजली हम एफ टी पी यूज़ करते हैं देन उसके बाद एफ टी पी सर्वर का जो नेम है या उसकी जो लोकेशन है वो डालेंगे इसमें हमें जो है वो डिटेल्स हमें सर्वर जो हमारा प्रोवाइडर है वही प्रोवाइड करता है ये सारी डिटेल्स देन हम वो फोल्डर बताएंगे जहाँ पर हमें वो स्टोर करवाना है कई बार हम डायरेक्टली स्टोर करवा देते हैं या हम कुछ अपना पर्टिकुलर फोल्डर भी बनाते हैं देन उसके बाद हम कुछ यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह के क्रेडेंशियल्स डालेंगे अपने एफ टी पी यूजर के और एड पर क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पब्लिश अ वेबसाइट विद एन इसके ये तो हमने यहां तक तो हमने अपनी वेबसाइट की जो डिटेल्स हैं सर्वर की वो ऐड करी थी इसके बाद हम साइट के अंदर जाएंगे पब्लिश ऑल फाइल्स पर क्लिक कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द दर्पज ऑफ वेब पेजेस विद एक्सम्पल वेब पेजेस का क्या यूज है पर्पज है यूज करने का वो हमसे पूछा है न यूज वेब पेज फीचर टू ट्रांसफर कंटेंट ऑफ our एंटायर वेबसाइट टू अ रिमोट होस्ट यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी रिमोट कंप्यूटर पे पब्लिश करने के लिए दिस इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू सेंड अवर वेबसाइट फॉर बींग होस्टेड फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर हमें रिमोट कंप्यूटर पर भेजनी है यहाँ से लेनी है इफ द एक्टिंग स्ट्रक्चर इज टू बी यूज फॉर क्रिएटिंग अनदर वेबसाइट अगर वहाँ पर और कोई स्ट्रक्चर पहले से हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू अ वेबसाइट विद एन एग्जाम्पल हम अपनी वेबसाइट का कैसे बैकअप बनाते हैं कहता है उसके लिए हम उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर भी हमारा जो डाटा या वेबसाइट स्टोर है दैन सेलेक्ट अ फोल्डर दैट हैज टू बी कम्प्लीट वेबसाइट जिसके अंदर कंप्लीट वेबसाइट है उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और उसको कॉपी करके उस लोकेशन को हम कॉपी करके पैनड्राइव में रख लेंगे हमारी और उसको जहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं वहाँ स्टोर करवा के रख लेंगे तो हम इस तरीके से बैकअप ले सकते हैं कई बार हम जो कुछ ऑनलाइन ड्राइव है जैसे गूगल ड्राइव वगैरह वहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं अगर हमारे पास क्लाउड ड्राइव वगैरह है ये हमारे ऊपर है हम कैसे बैकअप कहाँ लेते हैं नेक्स्ट एक फिलअप्स है हमारे पास दैट इज पब्लिशिंग सेटिंग इज अवेलेबल इन साइट मेन्यू एंड वेब पैकेज ऑप्शन शुड बी एक्सेस फ्रॉम साइट मेन्यू इम्पोर्ट फ्रॉम वेब पैकेज इज अवेलेबल इन इम्पोर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ साइट मेन्यू असेसमेंट नंबर सेवन के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिस्ट एनी थ्री वेब ऑथरिंग टूल वेब ऑथरिंग टूल्स पूछ रहा है हमसे बहुत बहुत सारे हैं माइक्रोसॉफ्ट एव एक्सप्रेशन जो हमारी बुक में दिया हुआ है जिसके ऊपर पूरी यूनिट है इसके अलावा कंपोजर जो है वो आपकी बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है और एडोब एडोप्टीम्यूवर एडोब का बहुत फेमस आपका ऑथरिंग टूल है सबसे ज़्यादा आजकल यही यूज़ होता है बेसिकली जो वेब डिज़ाइनर वगैरह यूज़ करते हैं देन इसके अलावा हमारे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है कॉरल वेबसाइट क्रिएटर है कॉफ़ी शॉप एस टीम एल एडिटर है नॉट नेट ऑब्जेक्ट वेबसाइट डिज़ाइन है और ये कुछ आपके इस तरह की लिस्ट है आप बहुत लंबी गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी जो है वेबसाइट बना सकते हैं और काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो वहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कंपेयर द फीचर ऑफ एटलीस्ट टू वेब ऑथरिंग टूल आप कुछ वेब ऑथरिंग टूल को कह रहे हैं ऑप्शन आपने कंपेयर करने तो यहाँ पर हमने एक एडोप ड्रीम व्यूवर ले लिया और एक हमना, हमने हमने कंपोजर ले लिया तो एडोप ड्रीम व्यूवर तो एक अपने आप में बहुत बड़ा टूल है जो कंपोजर उसके सामने बहुत बड़ा ऐसा नहीं है बट अपने अपने दोनों के फीचर्स हैं कुछ कॉमन फीचर्स हैं और कुछ दोनों के अपने अलग फीचर है जैसे इसके अंदर रेस्पॉन्सिव डिजाइन है आपका एंड डिवाइस में आप रिव्यू देख सकते हैं किस डिवाइस के लिए देखना चाहते हैं एंड बैच में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल्स को लाइव व्यू देख सकते हैं आप अपनी साइट का टैंपलेट आपको मिलती है स्टार्ट करने के लिए जे को आई जो 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 विजिट्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं एस टी एम एल फाइव का ऑडियो वीडियो का सपोर्ट है एस टी एम एल फाइव के और दूसरे एलिमेंट जो है फास्टर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है सी एस एस थ्री के ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हैं कंपेटिबल है एस टी एम एल फाइव और सी एस एस थ्री का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड मोबाइल इंटीग्रेशन का है आपका जे को आ री का इसके अंदर ऑप्शन एंड कोड हिंटिंग यानी कोड का हिंट दे प्रोवाइड करता है जिसमें एज एक्स और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क भी इंक्लूड हैं और फोटोशॉप इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है ऐसे अगर कंपोजर की बात करें तो कंपोजर के भी अपने कुछ फीचर्स हैं जैसे इसमें एफ साइट मैनेजर का ऑप्शन है कलर पिकर है इसके अंदर सी एडिटर है इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट कस्टमाइजेबल टूर बार है इसके अंदर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं फॉर्म का ऑप्शन है क्लीनर मार्कअप का ऑप्शन है इसमें ऑटोमेटेड स्पेल चेकर है आपके पास फाइल मैनेजमेंट का जो लिए एफ के थ्रू जो है इंटीग्रेट किया गया है ऑप्शन इसमें एंड एसटीम कोड क्रिएशन जो है वो आपके पास जो है ऑप्शन है इसके अंदर एंड वट यू सी वट यू गेट एडिटिंग मोड अवेलेबल है जो हमारे पास यहाँ पर आ, कह सकते हैं लाइव व्यू कह सकते हैं उसको है, अलग अलग टैब्स में हमें दिखा देता है टैप एडिटिंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल पेजेस में स्विच करना आसान हो जाता है इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अलावा आपका एप्पल के मेकिन

क्रिएटेड बाई स्टाइल टेक्नोलॉजी यानी सी एस एस टैम्पलेट कुछ नहीं है हमारे पास वेबसाइट के डिजाइन होते हैं जो हमने सी एस एस का यूज करके बनाई होती है कहते हैं सी एस एस अलाउज वेब डेवलपर्स टू इजली फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑल द पेजेस ऑफ वेबसाइट एट वन टाइम हम सी एस एस की हेल्प से जो है टैम्पलेट की हेल्प से हम ईजिली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और पेजेस का डिजाइन एक साथ बनाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं वे सी एस एस टैम्पलेट वी कैन सेलेक्ट अ डिज़ाइन हम एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेक्ट डिज़ाइन में से एंड आप बहुत अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं आसानी से वी कैन कस्टमाइज दैम एज पर आवर नीड हॉर और अपनी जरूरत के हिसाब से उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू डाउनलोड एंड यूज अ टैम्पलेट इन एस्टीमल एडिटर एस्टीमल एडिटर के अंदर हम कैसे जो है अपनी टैम्पलेट्स को जो है एडिट कर सकते हैं डाउनलोड करके तो उसके लिए हमारे पास पहले डाउनलोड का ऑप्शन है कैसे हम डाउनलोड करेंगे क्या तो इन ब्राउजर ओपन सर्च इंजन सर्च इंजन ओपन करेंगे और उसके अंदर हम किसी भी सर्च इंज गूगल है या बिंग है या याहू या है वहाँ पर हम सर्च करेंगे फ्री डाउनलोड एस टी हम टाइप करेंगे जैसे नॉर्मली सर्च करते हैं एंड उसके बाद आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन आ सा जाएंगे लिस्ट आ जाएगी उनमें से हम जो है स्पॉन्सर्ड को छोड़ देंगे और जो नीचे जो आपके रियल वाले हैं उन पर क्लिक करेंगे उनमें से कोई भी ऑप्शन करेंगे विजिट करेंगे वेबसाइट जो भी है हमारे पास एंड वहाँ पर जो है ब्राउज करेंगे हम प्रिव्यूज़ देखेंगे और जो हमें सेलेक्ट साइट सेलेक्ट अच्छी लगेगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे टैंपलेट को एंड उसको डाउनलोड कर लेंगे हम अपने टैम्पलेट को देन नेक्स्ट जो आपका पॉसिबल है वो हमारी ज़िप फॉर्म हो सकती है तो अगर वो जिप फॉर्म है हमारी टैंपलेट जिसके अंदर हमारे एस टी एम एल भी होते हैं सी एस एस फाइल भी होती हैं जावस की फाइल भी होती हैं तो उनको हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके अनजिप कर लेंगे किसी सॉफ्टवेयर से एंड देन हम उनको ओपन करके देख सकते हैं प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि हाँ वो हमारी वेबसाइट में कैसी खुल रही हैं तो इसमें कह रहा है कि हमारे हमें ये भी ध्यान रखना रहन पड़ सकता है कि काफ़ी जो वेबसाइट्स हैं जो ऐसे ऐसी आपको फ्री टैम्पलेट प्रोवाइड करती हैं उनमें आपको अकाउंट बनाना पड़ सकता है उनकी रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली बाकी डाउनलोड करना कोई मुश्किल नहीं है आप बहुत ईजिली इस तरीके से फ्री वेबसाइट की जो टैंप्लेट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन उसके बाद अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं अपने एस्टीम एडिटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए आप अपना अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करेंगे मीओ का एंड देन आप न्यू साइट में जाएंगे न्यू साइट बनाने के लिए और जो भी कंटेंट है आपका उसको कॉपी को पेस्ट कर देंगे अपने टैम्पलेट फोल्डर के अंदर एंड पेस्ट विद इन एस्टिमल एडिटर के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे जहां उसकी लोकेशन है हमारी जहां हमारा प्रोजेक्ट बने की फाइल्स होंगी एंड होम पेज को ओपन करेंगे और जो भी हमें कस्टमाइजेशन चाहिए हम उसमें कर सकते हैं फिलअप हैं लिस्ट एनी थ्री वेबसाइट दैट ऑफर फ्री सी एस टेम्पलेट्स इसमें हमारे पास बहुत सारी गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्री सी एस एस डॉट कॉम टैम्पलेट डॉट को टेम्पलेट मो डॉट कॉम बहुत सारी हैं आपको जस्ट गूगल पे सर्च करना है फ्री एस टी एम एल फाइव टेम्पलेट या फी एस फ्री सी एस एस टेम्पलेट्स थैंक यू वेरी मच इससे पहले भी जो वीडियो थी अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा एक बार और भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच